welcome to reliable world i am dr ashok kumar today going to explain some rules uh, to solve sentence reordering means uh, jumble words dear students jumble words uh, are necessarily asked in any examination फोर मार्क्स ये से लेकर फाइव मार्क्स तक के क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको किसी भी एग्जामिनेशन में जंबल वर्ड से पूछे जाएंगे या सेंटेंस रिओर्डरिंग भी कहा जाता है इसको और अक्सर स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन में यानी सेंटेंस रिओर्डरिंग में गलती कर बैठते हैं और इस कारण से मार्क्स कट जाता है तो हम लोग आज के लेसन में यह सीखने जा रहे हैं कि कैसे सेंटेंस रिओर्डरिंग को 100 परसेंट करेक्ट बनाए कैसे जंबल वर्ड्स में के सॉल्यूशन में मार्क्स नहीं कट सके एक भी मार्क्स नहीं कट सके तो अगर जंबल वर्ड्स में हंड्रेड परसेंट मार्क्स आ जाता है तो इंग्लिश में हंड्रेड परसेंट मार्क्स लाने में सुविधा हो जाएगी क्योंकि जंबल वर्ड्स सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक माना जाता है तो इस तरह से सबसे पहले हमको सेंटेंस रिओरिंग को हंड्रेड परसेंट करेक्ट करने के लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा तो सेंटेंस uh, के स्ट्रक्चर का मतलब होगा कि वर्ड्स शुड बी प्लेस्ड वर्ड्स यानी शब्दों का प्लेसमेंट वर्ड्स शुड बी प्लेस्ड इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर सो दैट सेंटेंसेस शुड बी मीनिंगफुल यानी वर्ड को इस प्रकार से अरेंज करना है जिससे सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए क्योंकि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल है उसी को सेंटेंस सिर्फ कहा जाता है तो इस तरह से वी हैव टू अरेंज वर्ड्स इन सच अवेर दैट अ सेंटेंस शुड बिकम कंप्लीटली मीनिंगफुल दूसरी तरफ सेंटेंस uh, को प्रॉपर ऑर्डर में एडजस्ट करने के लिए वी हैव टू लर्न द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स and in this regard the first rule uh, I want to explain place the com uh, complement after the object after the subject yani complement ko subject ke baad place karna hai किसी भी sentence में यानी सबसे पहले आपको subject choose करना होगा कि subject क्या है किसी sentence का और तब उसके बाद complement यानी भाव ऑब्जेक्ट या फ्रेज या जो भी कॉम्प्लीमेंट है तो उसके बाद उसको रखना होगा जैसे शाहजहां बिल्ट द ताज सब्जेक्ट हो गया शाहजहां और उसके बाद भाव मेन भाव है बिल्ट और तब उसके बाद ऑब्जेक्ट ताज तो शाहजहां बिल्ट द ताज इसी इसके अतिरिक्त He came to my room. तो दियर सब्जेक्ट इज ही और उसके बाद हमको भाव चुनना है सब्जेक्ट के बाद भाव द तो केम और उसके बाद एक फ्रेज है टू माई रूम तो इस तरह से सबसे पहला रूल जो जंबल वर्ड को करेक्टली सॉल्व करने का है कि सब्जेक्ट के बाद भाव ऑब्जेक्ट फ्रेज इत्यादि को प्लेस करना है यानी कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट के बाद प्लेस करना है नेक्स्ट नेक्स्ट रूल के अंतर्गत है कि एक एडजेक्टिव को नाउन के बिफोर uh, प्लेस करना है मींस प्लेस एन एडजेक्टिव बिफोर नाउन बट इफ वी हैव टू प्लेस एन एडजेक्टिव आफ्टर अ लिंकिंग भाव Then place an adjective after a linking verb or after a noun or pronoun in certain cases. So, with the help of examples, we can understand how can adjective be placed before a noun. For example, she is a pretty girl. So here, noun is girl.

लिंकिंग भाव के साथ एडजेक्टिव का जो है प्लेसमेंट कैसे होगा तो लिंकिंग भाव के ठीक बाद होगा जैसे फादर वाज एंग्री तो हियर एंग्री इज एन एडजेक्टिव एंड लिंकिंग भाव हैज बीन यूज्ड वाज वाज इज अ लिंकिंग भाव तो सब्जेक्ट सबसे पहले चूज किए फादर और सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग भाव वाज और उसके बाद एडजेक्टिव एंग्री अगर लिंकिंग भाव के साथ एडजेक्टिव को एडजस्ट करना है तो कहां एडजस्ट करेंगे लिंकिंग भाव के तुरंत बाद एडजेक्टिव को प्लेस करेंगे इसके अतिरिक्त आफ्टर नाउन और प्रोनाउन इन सर्टेन केसेस तो आई कंसीडर हिम तो आई सब्जेक्ट हो गया कंसीडर मेन भाव उन यानी ऑब्जेक्ट हो गया अब इसके बाद एड्जेक्टिव आज, वाइज तो एड्जेक्टिव कहां आया तो प्रोनाउन के बाद हिम के बाद तो इस तरह से नाउन या प्रोनाउन के बाद में भी एडजेक्टिव को प्लेस किया जा सकता है लेकिन सर्टन केसेज में एक्सेप्शनल केसेज में नेक्स्ट रूल वी है एडव वेयर कैन वी एडव इन सेंटेंस? तो द रूल सेज प्लेस एन एडव ऑफ फ्रीक्वेंसी एडभव ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत ऑलवेज नेवर सेल्डम एट्सेट्रा तो प्लेस एन एडव ऑफ फ्रीक्वेंसी बिफोर द मेन भव मेन भव के पहले इसको प्लेस करना है एडव ऑफ फ्रीक्वेंसी को एंड आफ्टर द हेल्पिंग भव तो हेल्पिंग भव के बाद एडव ऑफ फ्रिक्वेंसी को प्लेस करना है लेकिन मेन भव के पहले प्लेस करना है और अगर एडव ऑफ मैनर यूज करना है तो जैसे एडवाब ऑफ मैनर के अंतर्गत आया फ्रीक्वेंटली ब्यूटिफुली तो या एडभव ऑफ प्लेस हियर देयर एटसेट्रा एडवाव ऑफ टाइम टुमोरोस्टरडे तो यह सबको आफ्टर द भू प्लेस तो सबसे पहले सबसे पहले देखते हैं कि एडवाव ऑफ फ्रिक्वेंसी एडवाब ऑफ फ्रीक्वेंसी को जस्ट हम लोगों ने स्टडी किया था कि कहा प्लेस करना है तो मेन भव के पहले एडवाव फ्रीक्वेंसी को मेन भाव के पहले प्लेस करना है तो जैसे सी नेभर कम्स सी नेम्स तो नेभर एडवा फ्रीक्वेंसी है और कम्स भाव है मेन भाव है तो मेन भाव के जस्ट पहले एडवाव ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया तो नेक्स्ट सी इज नेवर लेट तो हम लोगों ने अभी स्टडी किया था कि एडवाव ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेन भव के पहले लेकिन हेल्पिंग भव के बाद में प्लेस करना है तो यहां पर जो मेन भव था सी नेवर कम्स लेट तो मेन भव है कम्स और उसके पहले नेवर को सेट किए प्लेस किए लेकिन अब यहां लिंकिंग भाव है। तो यानी लिंकिंग भाव इज के बाद में एडवाब ऑफ फ्रीक्वेंसी को प्लेस किए एडवाव ऑफ फ्रिक्वेंसी यहां नेवर है नेवर लिंकिंग भाव इज के बाद आया है तो इस तरह से प्लेस एंड एडवेंसी लाइक ऑलवेज नेवर सेल्डम एट्सेट्रा बिफोर द मेन भव एंड आफ्टर द हेल्पिंग नेक्स्ट एडभव ऑफ मैनर तो एडव ऑफ मैनर को कहा प्लेस करना है एडव ऑफ मैनर के अंतर्गत फ्रीक्वेंटली ब्यूटिफुली ये सब एडव ऑफ मैनर है और एडव ऑफ प्लेस जैसे हियर देयर एटसेट्रा ये सब एडव ऑफ प्लेस है और एडवाव ऑफ टाइम टुमारो टूमोरोस्टरडे एटसेट्रा तो एडव ऑफ टाइम को कहा प्लेस करना है तो आफ्टर द भव और द ऑब्जेक्ट आफ्टर द भव जैसे ही स्पोक लाउडली तो लाउडली इज यव ऑफ मैनर

एंड सॉफ्टली इज एन एड ऑ ऑफ मैनर तो एडवाव ऑफ मैनर हैज बीन यूज जस्ट आफ्टर मेन भव मीन स्पोक नेक्स्ट एडभव प्लेस और एडवाव ऑफ टाइम तो जस्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट आफ्टर एडवाव ऑफ प्लेस और एडवाव ऑफ टाइम को हम लोग को कहाँ प्लेस करना है तो आफ्टर द भव द ऑब्जेक्ट तो फॉर एग्जाम्पल अशोक विल कम हियर टूमोरो सब्जेक्ट हो गया अशोक और विल ऑक्जीलरी भव मॉडल ऑक्जीलरी भव अब प्रिंसिपल भव यहाँ पर कम हो गया अब इसके बाद एडभ ऑफ प्लेस प्रिंसिपल भव यानी मेन भव के बाद एडभ अ प्लेस हियर अब नेक्स्ट एडव टाइम टूमोरो अशोक विल कम हियर टूमोरो तो टूमोरो जो है एडवाब ऑफ टाइम ये एडवाब ऑफ प्लेस के बाद और इस प्रकार से एडवाब ऑफ प्लेस और एडवाब ऑफ टाइम दोनों मेन भाव के बाद आता है इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है अशोक सब्जेक्ट विल हेल्पिंग भाव कम मेन भाव हियर एडवाब ऑफ प्लेस टूमोरो एडवाब ऑफ टाइम Uh, in this regard, we have to understand that if there are two or more adverbs after a verb or object, the normal order will be adverb of manner will be written first, then will be written adverb of place, and at last adverb of time. Once again, if there are two or more adverbs in a sentence, वी हैव टू प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर अभ और एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू प्लेस एडव इन दिस ऑर्डर हाव एडवास्ट यानी भव के तुरंत बाद सबसे पहले एडवाब ऑफ मैनर को प्लेस करना होगा उसके बाद एडवाव ऑफ प्लेस को प्लेस करना uh, होगा और उसके बाद लास्ट में एडवर्ब ऑफ टाइम को नेक्स्ट जैसे इस एग्जांपल में भी हम लोगों ने देखा कि अशोक विल कम हियर तो अशोक यहां पर सब्जेक्ट है विल हेल्पिंग बाब कम मेन बाब हियर ऑफ प्लेस तो भाव के बाद मेन भॉ के बाद आया एडवर्ब प्लेस और टुमारो एडवाब ऑफ टाइम एडवाब ऑफ प्लेस के बाद आया नेक्स्ट नेक्स्ट रूल वी हैव टू अंडरस्टैंड सम एडवाब्स लाइक फाइनली यूजुअली टुडे एस्टरडे टुमारो एटसेट्रा तो ये सब जो एडवाब है मे कम बिफोर द सब्जेक्ट एट द बिगनिंग यानी ये सब ऐसे एडव है जो सब्जेक्ट के पहले भी आ सकते हैं जैसे फाइनली वी डिसाइडेड टू गो तो फाइनली यहां पर एडवाब है और ये आ, सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट है यहां पर वी तो सब्जेक्ट से पहले भी आया है इसी प्रकार से टुडे ऐट ऑफ टाइम तो टुडे हैज बीन यूज बिफोर द सब्जेक्ट लाइक टुडे इट विल रेन सब्जेक्ट इज इट एंड टुडे ऐट ऑफ टाइम हैज कम बिफोर द सब्जेक्ट तो इन दिस रिगार्ड वी अंडरस्टूड दैट

बाप को खोज लिए तब हम लोग को ऑब्जेक्ट को खोजना होगा या अगर कोई फ्रेज है तो फ्रेज को खोजना होगा और इसी ऑर्डर में आ, सेंटेंस को रीऑर्डर करना होगा विद दिस आई एम गोइंग टू फिनिश द रूल्स रिलेटेड टू सेंटेंस रिओर्डरिंग और जम्बल वर्ड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग रिलायबल वर्ल्ड वनस अगेन डियर स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड आवर एजुकेशनल चैनल रिलायबल वर्ल्ड देन प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट इट्स एजुकेशनल वीडियोज़ कैन बी रीस्ड अप टू यू वेरी ईजली यानी इसको सब्सक्राइब करने से आपको रिलायबल uh, वर्ल्ड के सभी एजुकेशनल वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच जाएंगे Reliable वर्ल्ड एक ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है और इसका फायदा आप इसको सब्सक्राइब करके उठा सकते हैं थैंक यू